ठीक है, चलिए। तो ये तो बात हुई ऑप्शंस ट्रेडिंग के ट्रेड की, लेकिन आज की जो बड़ी न्यूज है, बजाज फाइनेंस और मार्केट उसे विद ओपन आर्म्स ले भी रहा है। आप देखें फंड रेजिंग की जो खबर है, बोर्ड ने विचार करना इस पर। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी की ज्ञानदा वैद्य हमारे साथ बनी हुई है इस पर और बातचीत करने के लिए। मॉर्निंग मिस वैद्य, क्योंकि एक अच्छी हाई ग्रोथ कंपनी है ये, और क्योंकि फंड रेजिंग की खबर ऐसे मौके पे आती है और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो आ रही है वो ये बता रही है फ्यूल करेगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी ये फंड्स जो रेज करती है कंपनी, आप इस पर इस वक्त क्या व्यू बना रही है? जी गुड मॉर्निंग। जो बजाज फाइनेंस फंड रेज कर रही है तो उनका टियर वन कैपिटल ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है 23% पे, तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म फंडिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाइनेंस करने के लिए ये जुटा सकती है। कुछ क्वार्टर्स पहले उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजी भी अनाउंस किया था जहाँ पे वो नए सेगमेंट्स में भी फोरे कर रहे हैं, तो वो नए सेगमेंट्स न्यू ऑटो फाइनेंसिंग, MFI और ट्रैक्टर्स है। सो अगर आप स्टार्ट ऑफ FY24 भी देखें फॉर बजाज फाइनेंस, वो भी काफी स्ट्रांग था, AUM ग्रोथ बहुत हेल्दी था, न्यू कस्टमर एडिशंस भी बहुत स्ट्रांग थे, तो और कंपनी ने अपना गाइडेंस भी इम्प्रूव किया था फॉर AUM ग्रोथ। सो इसको देखते हुए लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंड करने के लिए ही फंड रेज हो सकता है। ज्ञानदा, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने 32% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर में बजाज फाइनेंस में क्लॉक की, अब ये जबरदस्त, इनके पास ऑलरेडी कैपिटल अच्छा भी है और इनकी कैपेबिलिटी भी है कैपिटल यूज करने की। सवाल ये उठ रहा है कि हमारी न्यूज ये थी कि अब ये MFI स्पेस में जाना चाहते हैं जहां हाई ग्रोथ है और टेक्नोलॉजी की वजह से अब एसेट क्वालिटी प्रेशर उतने नहीं है जितने पुराने जमाने में हुआ करते थे, तो आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ का मैटर है इस बेस पर भी ये अच्छी ग्रोथ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम क्लॉक कर सकते हैं? जी एक्चुअली हमारा भी अनुमान है कि अबाउट नेक्स्ट एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म बजाज फाइनेंस अबाउट 28-30% क्लॉक कर सकता है। MFI में इनका आना अभी पेंडिंग है, आई मीन दे विल एंटर इन द कमिंग क्वार्टर्स। फिलहाल तो जो भी सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट कर रहा है वो सारे सेगमेंट्स काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे, तो अगर न्यू कस्टमर एडिशंस भी देखे, न्यू लोन बुकिंग्स भी देखे, सारे सालों में ग्रोथ रोबस्ट है, तो हमारा भी अनुमान है कि यहाँ से ग्रोथ काफी स्ट्रांग रह सकता है। और जो नए सेगमेंट्स है वो थोड़ा स्केल अप होने में शायद उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म वो भी ग्रोथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते ही रहेंगे। और ज्ञानदा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। तो एक सॉलिड ग्रोथ यहां से मीडियम टर्म में पॉसिबल है और ये कैपिटल रेज इस ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, ये व्यू आ रहा है ज्ञानदा जी का। बजाज फाइनेंस को स्टॉक 4% ऊपर है। कुछ जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था कि कुछ और NBFC स्टॉक्स भी इस फंड रेज के चलते हरे निशान में आ गए। इंडियाबुल हाउसिंग 3% ऊपर हो गया है और भी कुछ और स्टॉक्स।